नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई एक अच्छे वाले टॉपिक पे, मान सकते हैं या लोगों की समझदारी मान सकते हैं या लोगों का भय मान सकते हैं। जी हाँ, इंडियन लोग विदेशों में बैठे हैं लेकिन वो अब इंडिया नहीं आना चाहते, इसका क्या रीजन हो सकता है। अभी की लेटेस्ट में बात करूं तो ये बाकायदा न्यूज निकल के आई थी मेरे सामने, इसलिए मैं वीडियो बनाने की जरूरत है। और भाई मैं तो ये चाहता हूं कि एक बार इंडिया नहीं आए तो ही आपका आपके लिए अच्छा होगा। जी हाँ, क्योंकि हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि आप इंडियन लोग विदेशों से अब इंडिया क्यों नहीं आना चाहते या उनको क्या भय सता रहा है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए भाई, अभी आपको पता है इंडिया का कोरोना का क्या माहौल चल रहा है वर्ल्ड में। मुझे नहीं लगता कि अप्रैल के महीने में टॉप कर जाएगा, ये स्थिति है इंडिया में कोरोना की। जी हाँ, अगर बात कर लेते हैं, बता दूं 20 अप्रैल की, जी हाँ 20 अप्रैल को बता दूं 280,000 केस आए थे, जो पिक था पिछले साल 2019 में। उस टाइम भी 1,00,000 से ऊपर इंडिया में कोरोना केस नहीं गए थे। वैक्सीन आने के बाद, वैक्सीन लगने के बाद ये स्थिति है इंडिया की कोरोना के मामले में। जी हाँ, और डेथ की बात करें तो भाई आप सोच सकते हैं दिल्ली हज़ारों लोगों की मौत हो रही है इंडिया में। तो ये मान लो अभी की स्थिति है कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, अस्पतालें फुल हैं, शमशान घाट एकदम फुल हैं, वेटिंग में लास्ट अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग चल रहा है, सभी जगह ये स्थिति इंडिया में कोरोना की। जी हाँ, हालांकि सरकार ने बोला है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे सबको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ये अप्रैल का महीना, आज 20 अप्रैल हो चुका है, ठीक है, ये 10 दिन तो इतने भयंकर निकलने वाले हैं इंडिया में कि आप सोच नहीं सकते। कितने घरों के चिराग बुझेंगे, आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे यार, बताने की जरूरत नहीं, अभी स्थिति खराब है। ये ही रीजन है कि इंडिया के लोग कहीं पर भी बैठे हैं, चाहे दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, पहले तो अरे फ्लाइटें नहीं चल रही, हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाना है। अभी लोग बैठे हैं, अरे भाई डर जा, इंडिया जाएंगे तो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उनको कौन कौन से डर सता रहे हैं। पहली बात तो संक्रमित आंकड़े देखो कितने भयंकर लग रहे हैं, उनको दूर बैठे बंदों को यार 280,000 केस एक दिन में कितने देशों को कवर करता है। गल्फ देशों में तो जोर मार के कितने आते हैं भाई, 5-7 हज़ार, 6-7 देशों में आ रहे हैं, इंडिया में 280,000, 50 देशों को के आंकड़े एक देश इंडिया में आ रहे हैं। हालांकि जनसंख्या हिसाब से ज़्यादा कोई नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। इस स्थिति को लोगों को डर लग रहा है कि भाई हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें डर लग रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि उनको डर लगता है कि हमें भी कोरोना हो सकता है, क्योंकि ये भयंकर तरीके से बढ़ रहा है। क्वारंटाइन का आपको पता है, पकड़ के क्वारंटाइन सबको एक तरफा क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो क्वारंटाइन का भय है, कोरोना का डर सबसे बड़ा है, लॉकडाउन सबसे बड़ा है लॉकडाउन की। क्या पता हम विदेश से इंडिया चले जाए और लॉकडाउन लग जाए तो हम दोबारा तो नहीं आ सकते, हमें तो हम तो खराब हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा, वीज़ा जॉब सब कुछ चला जाएगा। पता नहीं लॉकडाउन लगे क्या स्थिति हो, कौन से देश की फ्लाइट कब बंद हो जाए, कोई पता नहीं है भाई। कर्फ्यू का भय सता रहा है, वायरस का बड़ी प्रॉब्लम एक दूसरे के, अभी ये जो कोरोना स्ट्रेन चल रहा है ना, ये तो भाई बता दूं एक मिनट में दूसरे बंदे को संक्रमित कर देता है, और वायरस का पता भी नहीं लगता, लक्षणों का भी पता नहीं लग रहा है कि अभी स्थिति क्या चल रही है। तो ये सब रीज़न ऐसे मिलके निकल के आ रहे हैं कि एक आंकड़ा निकल के आया कि इंडियन लोग विदेशों में बैठे हैं वो अभी इंडिया नहीं आना चाहते, वो वेटिंग कर रहे हैं कि इस मैटर को ख़त्म होने के बाद हम इंडिया आएंगे। और भाई समझदारी इसी में है कि आप जहाँ हो वहीं जमे रहो, अगर इंडिया आ गए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वापस जाने के चांस क्या पता बने नहीं बने। कौन सा देश कब बैन लगा दे, अभी हांगकांग ने बैन लगा दिया इंडिया के लिए, तो कौन सा देश कब बैन लगा दे और आपका जॉब और आपका वीज़ा सब कुछ खत्म हो जाए। तो रिक्वेस्ट ये भी, मैं भी ये करूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं काम करिए, जैसे स्थिति नॉर्मल हो, वैक्सीन 1 मई से स्टार्ट हो रही है, अगली मई में मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। बाकी डिटेल जो भी रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।